हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब, मैं हूँ फराह खान। आज हम बनाएंगे अपने किचन में मैक्रोनी पास्ता। देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लगती हैं। देखिए हमें चाहिए उसके लिए मटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर सॉस, चिली फ्लेक्स और पत्ता गोभी, गाजर और प्याज बारीक कटी हुई, मैक्रोनी और धनिया और टमाटर और सोया सॉस और टमाटो सॉस। ये देखिए हमने मैक्रोनी उबालने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी ले लिया है। अब हम उसके अंदर एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक छोटा चम्मच हम उसमें ऑयल डालेंगे ताकि हमारी मैक्रोनी जब उबले तो वो चिपके ना एक दूसरे से और उसमें फीका बन ना रहे, इसलिए हमने उसके अंदर सॉल्ट डाला है। थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आ जाए उसके अंदर। ये देखिए हमारा जब पानी बॉयल हो जाएगा तो हम उसके अंदर मैक्रोनी डालेंगे। अब हमने उसको एक दूसरे गैस पर रख दिया है। अब हम एक साइड पे ग्रेवी तैयार करेंगे टोमेटो की, जो हमने रेड कलर की पके हुए टोमेटो लेना है, जहाँ तक हो सके आपके पास अवेलेबल हो तो। मेरे पास ये वाले थे तो मैंने यही लिए हैं। देखिए इस तरह से कट कर लेंगे हम इनको उबालने के लिए। ये चार ऊपर से जितने भी टोमेटोज हैं हम इस तरह से कट कर लेंगे। बाकी सब भी आप इसी तरह से कट करके पानी में डाल दीजिए बॉयल होने के लिए। और मैक्रोनी और टमाटर को बॉयल होने देते हैं। ये देखिए ताकि ये इसका छिल्क जो भी है बॉयल हो जाता है तो उसका पील जो है, कवर जो है, वो आराम से अपन पील कर सकें, इसलिए हम इसको उबाल लेंगे। देखिए ये मैक्रोनी के लिए जो पानी हमने उबालने के लिए रखा था इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी मिक्स पास्ता डालेंगे। ये हमने देखिए सभी तरह के पास्ता और मैक्रोनी लिए हैं। ये अब हम इसको बॉयल होने देंगे थोड़ी सी देर, इसको चला लें अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि इसके अंदर सॉल्ट और पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए मैक्रोनी और पास्ता। ये देखिए अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे चेकआउट करेंगे कि ये पक चुका है, मतलब गल गया है हल्का सा। हाँ देखिए हमारा पास्ता गल चुका है। अब हम इसे छान लेंगे एक बाउल के अंदर छलनी रखकर। ये देखिए जिस तरह से मैंने एक बड़े बाउल के अंदर एक छलनी रखी है, आप भी इसी तरह से कीजिए और सेफ्टी से कीजिए, क्योंकि पानी गर्म है तो हम इसे कपड़े की मदद से पलट देंगे छलनी के अंदर। और अब इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर जो तपेली के अंदर हमारी मैक्रोनी चिपकी हुई है वो भी निकल जाएगी और ये ज़्यादा गलेगी नहीं, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके लिए हम पूरी मैक्रोनी के ऊपर पानी, ठंडा पानी डाल देंगे, मीडियम मतलब मटकी का, फ्रिज़ का नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर भी बॉयल हो चुके हैं लगभग। ये अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसका छिलका अलग ही निकल जाता है बिल्कुल बॉयल होने पर। ये देखिए किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से हमारे टमाटर बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल रेड रेड रेडीनेस आ रही है इसके अंदर। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे मैक्रोनी की और एक साइड पे टमाटर को ठंडे होने रख देंगे। देखिए हमने एक पैन लिया है, ये देखिए किस तरह पैन लेकर हमने उसको अंदर ऑयल डाला है गरम करने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है तब तक हम ये टमाटर पील कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके छिलके हमें सब निकाल देने हैं और इसको इस तरह से कट कर देना है नाइफ, छुरी की मदद से या नाइफ की मदद से। ये देखिए इस तरह से कट कर कर ठंडा होने के लिए रख देना है उसको। ये देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे ऑनियन, बारीक कटी हुई प्याज जो हमने काट कर रखी थी। इसको अब हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई होने देते हैं और इसे चलाते रहिएगा, इसको बीच में छोड़िएगा नहीं, ताकि ये एक जैसी फ्राई हो बिल्कुल। ये देखिए हमारी प्याज लगभग फ्राई होने आई है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च काटेंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च रेड और येलो शिमला मिर्च हो तो वो भी आप इसके अंदर काट के डाल सकते हैं। ये हमने एक शिमला मिर्च इसके अंदर काटी है और अगर आप तीन कलर की शिमला मिर्च यूज़ करते हैं तो उसको हाफ हाफ यूज़ कीजिएगा। ये देखिए अब हमने शिमला मिर्च भी फ्राई हो गई। अब इसके अंदर हम टमाटर मटर डाल रहे हैं, हरे मटर मेरे पास अवेलेबल थे। आपके पास और भी जो भी सब्जियां अवेलेबल हो उससे भी बनाया जा सकता है। ये देखिए हमारे पास गाजर थी, हमने उसको काट लिया है बारीक बारीक और ये हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका आर्क अच्छे से ऑयल में उतर जाए। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी जो हमने बारीक, बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट ली है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाती है तो उसके बाद हम इसके अंदर अब डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एक से दो टीस्पून डालिए
और अगर आपको कम टेस्ट, जिंजर गार्लिक का टेस्ट कम पसंद है, तो आप इसके अंदर सिर्फ एक स्मॉल टीस्पून डालेंगे तो भी काफ़ी है। ये देखिए, आप इसके अंदर हम ग्रीन चिली डालेंगे स्पाइस के लिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 चम्मच नमक। हमें इस अंदाज़ से डालना है कि हमने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए भी उसके अंदर भी नमक सॉल्ट डाला था, तो उस हिसाब से कम डालना है। अब ये देखिए, हम इसके वो थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, मतलब लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो आप ना डालें, अगर आप फीका खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर ना डालें। अब इसके अंदर हमने ये हल्दी पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच, बिल्कुल छोटा वाला टीस्पून जो होता है ना, आइसक्रीम चम्मच जिसको बोलते हैं, छोटा वाला वो। अब ये देखिए, हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं सब सब्जियों में, सब तरफ से हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो टमाटर हमने ठंडे करने के लिए रखे थे उसको पीस कर रख लिया था ग्रेवी बनाकर, अब ये देखिए हमने उसमें डाल दिया है सब सब्जियां, क्योंकि लगभग हमारी पक चुकी हैं और हमारे टमाटर ऑलरेडी बॉयल थे। अब हम उसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। फिर उसके बाद ये हमारी मैक्रोनी है, अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, उसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा ऊपर से नीचे तक। अब फिर उसके अंदर हम टमाटर सॉस डालेंगे। अब बारी आती है सॉसेस की, तो हमने सब टमाटर सॉस डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 चम्मच सोया सॉस डाला है और 1 चम्मच टमाटर सॉस डाला था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये ऊपर से नीचे तक सब तरफ से चलाना है, पर इसको ज़्यादा नहीं गलाना है मैक्रोनी को कि वो मिक्स हो जाए। इस तरह से गलाना है कि वो हल्की सी, हल्का सा उसमें मतलब गलना जो होता है वो गल जाए, पर वो पूरा पूरा दिखे स्लाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गल गया, घिचपिच हो जाए। ये हमने चिली फ्लेक्स घर पे बनाए हैं हाथ से, ये चिली फ्लेक्स हम डाल देंगे। आप 3-4 मिर्ची लीजिए और उसे सूखे जार में घुमा दीजिए, तो हमारा चिली फ्लेक्स तैयार हो जाता है। ये देखिए, हमारे मैक्रोनी भी रेडी हो गई है। अब हमने इसके धनिया डाल दिया है और ये हमारी सर्विंग प्लेट में मैक्रोनी निकल आई है, हमने निकाल ली है मतलब सर्विंग के लिए। ये देख लीजिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है इसके अंदर, मेरा तो खाने का मन हो रहा है। अगर आपका भी खाने का मन हो रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैक्रोनी, और आप भी बनाइए और आप भी खाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। ये देखिए, मेरा बच्चा हो, उसको तो इतनी अच्छा लग रहा है कि उसने यही खाना शुरू कर दिया है। बाय बाय, थैंक यू।